छत्तीसगढ़ की मिनी जूलॉजिकल पार्क यानी कि कानन पेंजारी में अवैध दुकानों के संचालन पर बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने नाराजगी जताई है। बता दें कानन पेंजारी बिलासपुर की एकमात्र बड़ी पहचान है, लेकिन अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का अंबार जब देखने को मिलता है, आलम तो यह है कि मामले में जू के आला अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि मामले में कब कार्रवाई होगी। सरकार ने बिना किसी मापदंड के यहाँ पर दुकानें अलॉट कर दी। आज मैंने पूछताछ करी है उस पर, तो वो उसको हटाने के लिए यहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है। मैं समझता हूँ कि जल्द ही यहाँ से जो अवैध दुकानें हैं उनको हटाया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको नियम पूर्वक जो है उसको अलॉट किया जाए। विजिटर्स आते हैं, भ्रमण में आते हैं, उनके लिए हमारे पास जितनी सुविधाएँ हम उनको अवेलेबल करा सकें वो कराना चाहिए, चाहे उनका पानी पीने की सुविधा हो। इवन जैसे बच्चे आते हैं तो उनके इतना छोटा मोटा बिस्किट और चाय इस टाइप की भी व्यवस्था रहती है, तो इन सब चीज़ के लिए हमको सुविधा मतलब जितना हम अवेलेबल करा सकते कराना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास गेट मनी का पैसा रहता है, उस पैसे का उपयोग हम इन्हीं कामों के लिए करते हैं।